जोधपुर वन रेंज के गेदुरी पहाड़ी पर 3 दिनों तक दिन रात बिताने के बाद आधी रात को जब हाथियों ने बिच्छी गांव आने की कोशिश की तो वन विभाग और बंगाल की विशेषज्ञ टीम को देख पुनः पहाड़ी पर चली गई और घने जंगल के बीच खो में बुधवार को भी वहीं जमे रहे। जी हां, आपको बता दें कि बुधवार को हाथी नहीं दिखे, जिससे वन महकमे में खलबली मच गई है। वन विभाग समझ नहीं आ रहा कि आखिर हाथी किधर चले गए। वन क्षेत्राधिकारी शहजादा इमायुद्दीन ने बताया कि मेरे नेतृत्व में वन कर्मी और बंगाल की टीम डैम किनारे 5 जगहों पर आग जलाकर हाथियों के टापू से उतरकर आने का इंतजार कर रही थी कि लगभग 1 बजे हाथियों ने पहाड़ी से उतरकर जलाशय मार्ग से किनारे आने लगे। जब हाथियों को भनक लगी तो वे चिहाड़ कर टीम को डराने की कोशिश की। जब टीम वहां से नहीं हटी और आग जलाते रहे तो हाथी वापिस चले गए। वहीं आपको बता दें कि स्थानीय ग्रामीणों की मदद से 3 नावों द्वारा 10 लोगों को जलाशय बीच की पहाड़ी की निगरानी कराई गई। कुछ लोग नाव से उतरकर 100 एकड़ क्षेत्रफल वाले गेदुरा पहाड़ी पर चढ़कर भी हाथियों को खोजने का प्रयास किया तो वाचर तेजू यादव ने हाथियों को खुद देखा और रेंज कार्यालय को 3 बजे दिन में सूचना दे दी। जी, रेंजर श्री शहजादा को कहना है कि वाचरों और वन कर्मियों को कांचन, हरहोरी, करकोरी, खन्ना, गड़िया, गराज, खजूरी आदि जंगल के किनारे ड्यूटी लगाई गई है, जिसके हाथी जंगल या रिहान जलाशय के टापू से बाहर गांव की तरफ निकले तो जानकारी मिल सके। बताया कि वाचर ने जहां हाथियों को देखा है वहां नाव से जाकर और पहाड़ी पर चढ़ना खतरे से खाली नहीं है, हमारी टीम अब इंतजार करेगी। जी हां, आपको बता दें कि रिहान जलाशय बीच गेदुरी पहाड़ी पर डेरा जमाए जंगली हाथी नाव से भी तेज तैरते हैं। जी, स्थानीय मछुआरों ने बताया कि जिस गति से हम लोग नाव चलाकर मछली पकड़ते हैं हाथियों की तैरने की गति उससे भी तेज है। ऐसे में नाव पर चढ़कर हाथियों की निगरानी करना भी खतरे से खाली नहीं है। फिर भी बुधवार को 3 नाव टापू के पास पहुंचकर हाथियों को तलाश कर लिए। वाचर तेजू और सहयोगी दशरथ बुल्लू गोंड 3 घंटे पहाड़ी पर रहे और सेल फोन पर बताया कि हम लोग पत्थर के ऊंचे चट्टानों पर बैठे हैं, जब हाथी दूर चले जाएंगे तो चुपके से उतर कर नाव द्वारा वापिस हो जाएंगे। विद्युत राय, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग बंगाल से आए हैं हाथी भगाने के लिए। अब जो यहाँ खड़ा है, हम गांव की तरफ जो टप्पू के अंदर खड़ा है, चारों तरफ पानी है, हाथी उसमें घुस गया है। हम गांव की तरफ खड़ा है अभी गांव के बचाव के लिए, और काम हो जाते तो हम चला जाएंगे यहाँ से। भगाने के लिए सर वन विभाग क्या क्या तरीका अपना रही है? अरे हम लोग सब तरीके से परेशान हो रहे हैं, बंगाल की टीम मंगा के रखी है, उसी से हम लोग गांव बचा रहे हैं कि किसी गांव में किसी नुकसान ना करने पाए और ये अपने रास्ता से सीधा निकल जाए छत्तीसगढ़। कितना संख्या है सर अभी हाथियों का? 11। ये कब से है पहाड़ी पे? ये पहाड़ी आज 3रा दिन हो गया। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।